चला भाई पीरी की बेल की ट्रीट मिल गई। ओ भाई 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 मैं अभी जस्ट गिरा था कसम। सो भाई लोग अभी पप्पा जी मुझे डांट रहे थे बिकॉज मैं उनकी चप्पल लेके जाने वाला था लेकिन प्लान कैंसिल हो गया। एनीवेज मैं आज मोटर ब्लॉक करूँगा अभी काफ़ी दिनों के मेरे मोटर। अरे फ्लिप फ्लॉप तो निकाल दे एटलीस्ट निकाल भाई मेरे को हेलमेट सब डाल के रेडी करना है। सो भाई लोग चलो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैं मस्त हेलमेट डाल के रेडी हो रहा हूँ। हाँ पप्पा आया ठीक है चलो बाय बाय सी निकल। तो भाई लोग चलो इसको छोड़ दिया अब चलते हैं भाई अपन मस्त कहीं बोलने वोलने या अरे ट्रैक पे जाना है अपन दोनों को।
सो भाई लोग मैं फाइनली पहुंच गया हूं भाई मेहरून लेक, और मतलब मैं तो पहुंच ही गया हूं, लेकिन भाई बालों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है बिकॉज मैं हेलमेट पहन के आया था ना, तो छोड़ो। और ये सीन देखो भाई, कसम कितना मस्त है, और इसमें ऐसा लो लाइट करके क्या सीन बन रहा है भाई, कसम। और एक सीन, मैं ट्राईपॉड लाना भूल गया, मैंने सोचा यार मस्त टाइम लैप शूट करूँगा, छोड़ो अब क्या ही कर सकते। वैसे यहाँ पर भाई डक भी है, वो देखो डक मैं आपको दिखाता हूँ, वो मस्त बैठे हुए हैं वहाँ पे, ज़्यादा पास तो नहीं आते, मतलब हाथ वाथ तो नहीं लगाने देते हो, लेकिन देखने मस्त लगते हो। वैसे आगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे हैं, वो देखो वहाँ पे ऐसा ग्रुप का ग्रुप घूमता रहता है उनका, छोड़ो जाने दो, ये मस्त लग रहा है भाई व्यू। कृष्णा पता ही है भाई सबको, बताने की बात नहीं है। एनीवेज भाई कसम से हम इतना ज़्यादा घुमाए ना कृष्णा, क्यों उसको पता ही नहीं था क्या हुआ, हेलमेट किधर घुमा, यही तो है ना, कुछ भी हाँ यही था ना वो, नहीं यही मेरा हेलमेट है, अबे रेड लिया था तुम, नहीं ना ब्लैक है ना मैम, स्टील स्टील बर्ड एयर का, मस्त है ना, मस्त है ना, स्टेबल रहता है क्या बस, हाँ नीचे घूम रहा है ये तो। अरे वो तो मतलब वो अगर इतने हाथ से ही लाओगे तो ऐसे तो ही रहेगा वो, गड्ढे अपने पास कितने इतने बड़े, हाँ वो भी जलगांव के गड्ढों की तो बात ही छोड़ो, कंफर्टेबल क्या, हाँ पहन के देखो ना, फिर मोटो व्लॉगिंग चालू कर देंगे अपन, हाँ अपन मस्त है ना, राइड्स राइड्स करा करेंगे, तुम भी चालू करो, तुम्हारे साइज से वो बड़ा है शायद से, नहीं छोटा है, नहीं नहीं वो बड़ा है, बड़ा है बड़ा है, ऐसे मुंडी लाओ अगर ये लो बड़ा है, अरे उसी के लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। कृष्णा किधर जा रहे हो अभी, तुम बताओ, नहीं तुम बता दो, तुम बताओ, अरे यार हेलमेट डाला हुआ है, बात नहीं मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है इधर से बेल्ट, तुम बताओ, अरे बेल्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है भाई बता दे, अरे देखा भी किधर चलते बताओ जल्दी, घर पे चल, नहीं हर्षाली को लेने जाना है, चलो आज तुम ट्रीट देते मेरे को बेल की, चलो चल चलो भाई, पीरी की बेल की ट्रीट मिल गई, ओ भाई 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 मैं अभी जस्ट गिरा था कसम, ओ भाई साहब बच गया बच गया, बच क्या हुआ भाई, छोड़ो जाने दो चलो। सो भाई लोग चलो हम लोग पहुंच गए भाई, कृष्णा गया है वहाँ पे भेलपुरी लेने, और भाई यहाँ पे लाइट्स की थोड़ी कमी है तो सॉरी, बहुत ज़्यादा डार्क ही दिख रहा है, लाइट लाइट ही दिख रहे होंगे बस। हियर इज कृष्णा गाइज एंड हियर इज अवर भेल गाइज, चीयर्स चीयर्स। देखो भाई ये भी आ गई है, मतलब हो गई है हमारे, मैं कृष्णा को छोड़ के यहाँ पे आ गया था इसको लेने। सो भाई लोग फाइनली हम लोग अभी घर पर पहुँच गए, कृष्णा तो पहले ही आ गया था, मैं तो हर्षली को लेने के लिए गया था, तो थोड़े लेट हो गया, और भाई पता नहीं क्या ही सीन हुआ था, बीच में मेरा अचानक से बहुत ज़्यादा सर दुखने लग गया था, इसलिए मैंने आते वक्त मोटर ब्लॉग नहीं करा भाई, पता नहीं क्या ही सीन हो गया था, अचानक से एकदम ठंड की वजह से हो गया होगा शायद, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो मैं फटाफट से वीडियो एडिट करके सोता हूँ भाई। फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आप सभी को अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।